Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर, जहां पर आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, यानी कि कैबिनेट विस्तार होना है। इस कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों को शपथ लेनी है, जिसको लेकर अभी प्रधानमंत्री आवास के अंदर मीटिंग चल रही है। अभी जो ताज़ा अपडेट है, उसमें से जो 43 सीटें हैं उसमें 24 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं और बाकी जो सीटें हैं उस पर अभी चर्चा जारी है। एक अपडेट ये भी है कि नए विस्तार से पहले 11 केंद्रीय मंत्रियों ने अब तक इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसमें से मुख्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, बाबुल सुप्रियो और रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी शामिल हैं। ज़ाहिर तौर पर ये बहुत कयास लगाया जा रहा था कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन को किस तरह से फिर से कैबिनेट में लिया जाता है, क्या कोविड को लेकर जो सिचुएशन जो देश भर में देखे गए उसका नुकसान क्या डॉक्टर हर्षवर्धन को उठाना पड़ सकता है, और नतीजा बिल्कुल वही आया और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही डॉक्टर हर्षवर्धन इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उनके साथ ही 10 अन्य केंद्रीय मंत्री जो हैं अब तक इस्तीफ़ा दे चुके हैं। आज का यह कैबिनेट विस्तार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर भी केंद्रीय नेतृत्व की नज़र होगी और उनकी यह कोशिश होगी कि इन दो राज्यों से ज़्यादा लोगों को चुनकर मंत्रिमंडल में भेजें ताकि इसका फ़ायदा उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। अभी तक इस कैबिनेट विस्तार से पहले ही 11 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो वहीं एक उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि कई ऐसे लोग जो अभी फ़िलहाल राज्य मंत्री हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी और आरके सिंह, उन्हें संभवतः कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं और 6 बजे तक काफ़ी कुछ फाइनल हो जाएगा, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार, जो सारे नाम जब फाइनल होंगे तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, किनको कौन सा मंत्रालय मिला और किन किन लोगों को जो अभी उस सीट पर थे उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, प्रधानमंत्री आवास दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.